ऐसा क्या बोल दिया दिल्ली के पूर्व मंत्री भारती ने कि यूपी में उनकी हो गई है गिरफ्तारी, और बीजेपी के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने ही स्याही फिकवाई है, जितना कुछ भी करवाया है। बदजुबानी महंगी पड़ गई भारती जी को। क्या है पूरा मामला, क्या उन्होंने बयान ऐसा दे दिया जो गिरफ्तारी हुई, आपको बताएंगे। मैं हूं आपके साथ गौरी त्रिवेदी और आप इस वक्त देख रहे हैं जेके न्यूज। जी हाँ, तो ऐसा इन्होंने क्या बोल दिया, इन्होंने ऐसा क्या बोल दिया, ये फोटो हम आपको दिखा रहे हैं। ये रायबरेली की है, यहाँ सर्किट हाउस में विधायक सोमनाथ भारती पर कुछ लोगों ने स्याही फेंक दिया और इस दौरान पुलिस और आप कार्यकर्ताओं के बीच बहस भी हो गई है। जी हाँ, अमेठी के जगदीशपुर थाने दर्ज हुआ केस शनिवार को यही हुआ था विवादास्पद बयान। आपको पूरा मामला बताते हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक और पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती अपने एक विवादित बयान को लेकर कानूनी शिकंजे में फंस गए हैं। शनिवार को अमेठी में पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर आए सोमनाथ ने कहा था कि हम यूपी के स्कूलों और अस्पतालों को देख रहे हैं, सब जगह बदतर हालत है। यूपी के अस्पतालों में बच्चे तो पैदा हो रहे हैं लेकिन कुत्तों के बच्चे पैदा हो रहे हैं। जी हाँ, ऐसे बयान इन्होंने दिया है और इसी बयान से लोगों में खासी नाराजगी देखने को मिली। जगदीशपुर के हरपालपुर गांव के रहने वाले शोभानाथ साहू ने विधायक पर केस दर्ज करवा दिया। अमेठी पुलिस ने एफआईआर दर्ज होने के बाद सोमनाथ भारती को रायबरेली के गेस्ट हाउस से गिरफ्तार कर लिया। जी हाँ, जगदीशपुर थानाध्यक्ष राजेश सिंह ने बताया कि सोमनाथ भारती के खिलाफ आईपीसी की धारा 505 153 ए के तहत केस दर्ज किया गया है। अब इस बयान पर उन्होंने सफाई भी दी है, वो भी आपको हम बताते हैं। आप संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, आप लोगों को पता ही है। इससे पहले पार्टी पंचायत चुनाव में उतरने वाली है। शुक्रवार को चुनाव की तैयारियों को लेकर सोमनाथ भारती दो दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंचे थे। अब भारती को अमेठी के अलावा प्रयागराज और रायबरेली जिले का प्रभार दिया गया है। इस दौरान उन्होंने केजरीवाल मॉडल और योगी सरकार की नीतियों की तुलना की थी, कहा कि हमारा बजट 60 हजार करोड़ से हो गया है और हम इसी मॉडल को यूपी लेकर आएंगे। अब यूपी में बच्चियों की सुरक्षा के लिए इनके पास पुलिस तो है नहीं, लेकिन स्कूलों की कोई फोटो खींच ना ले इसके लिए ये पुलिस लगा देते हैं। हमारे विधायक यूपी के 75 जिलों में घूम रहे हैं और यहाँ के अस्पताल को देख रहे हैं, ऐसी बदतर हालत में कि अस्पतालों में बच्चे तो हो रहे हैं लेकिन कुत्तों के बच्चे पैदा हो रहे हैं। इसी बयान के लिए पूरा तमाशा हुआ है। सोमनाथ भारती ने यह बयान क्यों दिया था, इसका उन्होंने रायबरेली जिले में खुलासा किया। बताया कि हाल ही में वे प्रयागराज जनपद गए थे, वहां एक सरकारी अस्पताल की बेड पर मरीजों के साथ कुत्ते बैठे हुए थे और वहां कुत्ते के बच्चे उनको टहलते हुए मिले बेड के ऊपर, तो उन्होंने बताया कि मैंने इसीलिए यह बयान दिया था। अब विधायक सोमनाथ भारती के विवादित बयान से लोगों में नाराजगी है, गुस्सा फूटा है। इसका असर सोमवार को रायबरेली में देखने को मिला है। यहाँ हिंदू युवा वाहिनी के कुछ लोगों ने विधायक सोमनाथ भारती पर स्याही फेंक दिया। पुलिस ने सोमवार को सिंचाई विभाग के गेस्ट हाउस में रोकना चाहा तो वे भड़क उठे। उन्होंने एसआई से कहा कि सबकी वर्दी उतरवा दूंगा, हट जाइए। एसआई ने कहा बिल्कुल नहीं हटेंगे। इस पर गुस्से में विधायक ने कहा आपको मैं बार बार कह रहा हूं आप हट जाइए। विधायक ने पूछा कि रास्ता रोकेंगे आप हमारा, तो दरोगा ने कहा कि मैं भी बार बार कह रहा हूं रुक जाइए। तब विधायक ने कहा कि हम क्यों रुकेंगे, किस कारण से, किस कानून में लिखा है, किस संविधान में लिखा है, हम कोई आपके अनपढ़ मंत्री नहीं है जो यहां खड़े हुए हैं। जब मैं यहां सारी रात था तब क्यों नहीं रोका हमें, जब मेरा कार्यक्रम चल रहा है जिस क्षेत्र की जनता इंतजार कर रही है तब रोक रहे हैं, पुलिस ने मुझ पर स्याही फेंकवाई है। सोमनाथ भारती ने कहा हमने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया, कल रात को भी पुलिस खड़ी थी, हम खाना खाने जा रहे थे तो पुलिस को आपत्ति थी, आज जब सदर में आयोजित कार्यक्रम में जा रहा हूं तो यहां के थानेदार ने भारी पुलिस के साथ में मुझे रोकने की कोशिश की है, साथ में भाजपा का एक गुंडा बुलाया गया है, उसे पुलिस संरक्षण दे रही है, उसको आगे करके पुलिस ने मेरे ऊपर काली स्याही फेंकवाई है। जब योगी के शासन में महिलाएं सुरक्षित नहीं है तो ये हमें क्या सुरक्षा देंगे। तो इस प्रकार से उन्होंने बयान दिया है कि योगी के सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं और महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी सुरक्षित नहीं, और बोलने की तो अभिव्यक्ति है ही नहीं, अगर कोई बोलता हुआ भी दिखता है स्वतंत्रता से तो उसको तुरंत ही जो है उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है।
तो इस प्रकार से उन्होंने बयान दिया है। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए जेके न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके तुरंत ही जो घंटी का ऑप्शन होता है उसे दबा लें। हम आपके लिए ऐसी तमाम बड़ी खबरें लाते रहेंगे और अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप करें कि क्या आपको लगता है कि योगी सरकार में वाकई में महिलाओं के साथ साथ पुरुषों के ऊपर भी अनावश्यक कार्यवाही हो रही है और महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी सुरक्षित नहीं दिख रहे हैं, या आपको लगता है कि जितनी भी गवर्नमेंट अभी तक आई हैं उनसे बेहतर योगी सरकार है। आपका क्या मत है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपका बहुत बहुत आभार वीडियो यहां तक देखने के लिए। मिलते हैं आपसे किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।